जरा थोड़ा सा पावर का रुख कर लेते हैं। हर्षद पटेल जी का सवाल आ गया है, कह रहे हैं सर नमस्ते, एनएचपीसी में सर लॉन्ग टर्म से कोई मूव दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या 6 महीने के व्यू में कोई बेनिफिट हो सकता है? सर लॉन्ग टर्म SIP स्टॉक अरुण सर से दिलवा दीजिए। अच्छा, एक तो सवाल, दो सवाल हैं, एक तो SIP स्टॉक जानना चाह रहे हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगा सकें, और दूसरा लंबे समय से NHPC में कुछ नहीं हो रहा है, 6 महीने में कुछ हो सकता है या नहीं? NHPC पे जब हम बातचीत करेंगे तो हम आपसे, क्योंकि SJVN पे भी बात हो गई है तो सुजलॉन पे भी बात कर लेंगे और इरेडा पे भी, ताकि पावर पैक भी कंप्लीट हो जाए। सर ये शेयर अब क्या, अभी ख़त्म हो गया, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है? बाकी सब में तब भी थोड़ी थोड़ी रैली रहती है, ये 91-92 से लेकर के 96-97-98 तक ये इसका, इसकी रेंज जो है पिछले 4-5 महीनों से इसने बनाई है, अभी क्या करें NHPC में? काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि 100 के ऊपर जाएगा, 118-120 तक के टारगेट निकल के आ रहे थे, नहीं चल रहा NHPC, क्या करना चाहिए? सर शेयर साइडवेज है, बहुत तेजी से बढ़ा था और लोगों को पावर, PSU, डिफेंस, बैंकिंग और रेलवे, उसके अंदर में ऐसा एक उत्साह आ गया था कि आपके शो पर भी नहीं समझ में आता था कि इन क्षेत्रों में क्या हो गया है, कि जिसको देखो वो उसी की बात करता है। जब कोई भी शेयर या कोई भी क्षेत्र ओवर ओनरशिप उसमें हो जाती है तो उसमें जो गिरावट आती है वो भी उतनी तेज और उतनी लंबी चलती है। अभी भी ये पावर क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में जो ओनरशिप है वो कम नहीं हुई है, निवेशक नहीं निकलना चाहते, अपने लॉसेस जो हो रहे हैं उसे बुक नहीं करना चाहते, इसके लिए शेयर उस मंदी के दौर से निकल नहीं रहा है। जहां तक NHPC का सवाल है, इसका प्रदर्शन जो हर तिमाही आ रहा है उसमें वैसे ही वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप वैल्यूएशन महंगी कर लेते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, अभी फिर करें क्या NHPC सर, मतलब निकल जाए, नुकसान बुक कर लें क्या एक बार के लिए, जिनके पास 98, 100, 105, 110 पे पड़े हुए हैं, या वेट करना चाहिए? विपुल जी, अगले 1.5-2 महीने में मान लीजिए बाजार सीमित दायरे में रहता है तो इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आ सकती, लेकिन हाँ अगर बाजार जैसे आज चला है, अगर ऐसा 3-4 बार और चल जाता है अगले 10-15 दिन में, तो अवश्य ये शेयर भी उस तेजी में शामिल होंगे। तो वेट एंड वॉच की भूमिका मनाने की सलाह यहाँ पर एक तरीके से, जो मैं समझ पाया हूँ, और जो की तरफ से दी जा रही है, नज़र रखिए बाजार के मोमेंटम के ऊपर और उससे जो है ये दिशा तय होती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए सर, जैसा कि हमने कहा था कि पावर पे NHPC हो गया, एक इरेडा बता दीजिए और एक सुजलॉन, यहाँ ये दो शेयर ऐसे हैं जो कि अब लोगों के सवाल काफ़ी रहते हैं। सुजलॉन ऊपर से थोड़ा सुस्ता गया है, इरेडा की अगर बात करें, अब सरकार ने 4,500 करोड़ के QIP की भी मंजूरी दे दी है, आज ऑलमोस्ट फ्लैट 230 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या करें इरेडा में, और जो लोग ऊपर हैं उनको क्या करना चाहिए, और ये QIP के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए इरेडा में, या क्या रणनीति सजेस्ट करेंगे आप? विपुल जी, 4,500 करोड़ रुपए का जो IPO है, बड़ा IPO है, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप ये समझिए कि ये शेयर में बड़ी तेजी या तेजी होने की संभावना कम रहेगी। ये QIP होने के बाद, जैसे आपने कहा, अक्सर देखा जाता है कि शेयर में कुछ न कुछ गिरावट आती है, तो जब तक इरेडा का ये इश्यू पूरा नहीं हो जाता, मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने में इसमें कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं रहती। अगर कोई इसमें निवेशित है ऊंचे के भाव में तो एक बार उसे निकल जाना चाहिए और बेहतर समय पर री एंट्री करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें क्या आज निवेश करूं, दूर रहिए, QIP होने तक कुछ मत कीजिए। ये इरेडा से अभी दूर रहने की सलाह है, जिनके पास, जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए, पहले से पड़ा हुआ है तो, पहले से पड़ा हुआ तो वेट कर सकते हैं सर कि नहीं? सर अगर आप 3-4 महीने तक वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, लेकिन QIP के बाद कुछ न कुछ गिरावट आती है और फिलहाल शेयर में मूवमेंट नहीं आएगा
तो अगर कुछ बेहतर है इन्वेस्ट करने के लिए तो निकल कर उसमें निवेश कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह है। तो ये जो है दोनों नजरिया, दोनों व्यू आपके सामने रखा हुआ है। एक कंपनी बच गई, वो है